और फैक्ट्री धन्यवाद मालिक मन मंदिर से गंदा पानी नदी के अंदर छोड़ रहे हैं, किसानों के खेत दूषित हो चुके हैं और जो पीने के पानी तालाब है वो सारे दूषित हो चुके हैं। हो गई आपकी बात, आ गई श्री सालेंग संगमा सर। राइट नाउ सर, राइट नाउ योर नेम आई सर, राइट नाउ थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम रोहिंग्या refugees, they're entering the state of Northeast. We've got 2,000 kilometers, which is not even covered. So we need a preventive measures to be taken seriously by the, sir, by the central government, sir. We don't have a proper security right now in our state. So thousands of people are suffering right now. Yesterday itself, more than thousands of Bangladeshis, they tried to penetrate the Meghalaya through the border illegally, sir. So to you, Mr. Speaker, sir, I would like to apprise the Union Minister from the Home Department, at least try to take the preventive measures right now. Shri Anurag Thakur. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेके हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं करते हो। श्रीमती जून मलिहा जी, ऐसा कैसे होता है सर? गाजा को लेकर अन्ना अन्ना।